बॉयज, तुम्हें नई साइकिल्स नहीं मिलेंगी, तुम्हारी पुरानी साइकिल्स बिल्कुल ठीक है। वो तो सही है, पर वो ट्राई साइकिल्स है। देखो करण कबीर, इस वक्त हम नई साइकिल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम दोनों को क्या चाहिए, साइकिल्स के खाना? हाँ हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ, सॉरी, नो साइकिल्स। यार, अब हम इस होटल में फंस गए, कुछ भी नहीं कर सकते, बस बैठ के बोर हो। ये दुनिया की सबसे नंबर वन बोरिंग होटल है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ओए तेरी, वो देख। I love this hotel. एक मिनट, अरे मुझे यहाँ के मैनेजर से मिलना है, अभी के अभी। जी, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मान सिंह, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? मानसी, ये मेरी बेटी है शहाना, और ये इस साल मिनी मिस मुंबई का ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली है ना बेटा? शहाना, राइट राइट। आपकी जो स्पेशल रिक्वेस्ट है वो मैंने नोट कर ली है, वो है हॉट रोलर्स, हाई वॉटेज मेकअप मिरर, 10 बॉटल जू का शैम्पू। थैंक यू मेरे प्यारे मानसी। मेरी कार है ना, मैंने रोड पर ही पार्क कर दी, और उस पे मेरा डॉगी बैठा हुआ है, मैं अभी आती हूँ। आई जस्ट कम डार्लिंग। जब ये चेकआउट करें तो इनके होटल के रूम में चेक करना कितने तौलिए गायब हैं। वाह, मानसिंह जी ने होटल में ब्यूटी पेजेंट अरेंज किया है। यार, हम इनसे बात नहीं कर सकते क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मुझे देख छोटे और कुछ सीख। तो मुझे पूछना पड़ेगा या तुम अपना नाम खुद ही बताओगी? चीज, अब जाओ बच्चू, नहीं तो तुम्हारी मम्मी है ना परेशान हो जाएगी। जाओ जाओ। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपनी मम्मी के पास छोड़ के आता हूँ, वरना वो परेशान हो जाएगी। चलो। मुझे तो बहुत नफरत है इन ब्यूटी पैजेंट से। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी कभी नहीं जीती। जरा सोचो, लड़कियों को इस बात का प्राइज दिया जाता है कि वो कितनी बेवकूफ, चालू और प्लास्टिकी है। नो, वैसे किस टाइप की लड़की इस सब को कूल समझती होगी? वाव, ये सब कितना कूल है। इस टाइप की लड़की, हे वो देखो कौन है, मिनी मिस मुंबई 2007 रानी। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। Oh my gosh, ये यहाँ क्या कर रहा है मानसिंह जी? क्या कर रही हो? अरे मैं उस आदमी को जानती हूँ, मुझे एक इवेंट में मिला था, एक नंबर का टुच्चा, लीचर और घटिया आदमी है। नीति। हाय। कैसे हो रघु? मैं तो अभी भी सेक्सी हूँ, और तुम ठीक लग रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? मैं इस होटल में काम करती हूँ। अच्छा है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वो वेट्रेस का ही क्यों ना हो। मैं तो इस ब्यूटी पेजेंट का होस्ट हूँ। मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। मेरा मतलब है असिस्टेंट मैनेजर हूँ। और पता है, होटल ने मुझे और मेरे बच्चों के लिए हमें एक स्वीट दिया है। हाँ, मैंने सुना कि तुम्हारे बच्चे हैं। फिक्र मत करो, जिम जाओगी तो तुम्हारा फिगर वापस आ सकता है। वैसे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये विग तुमने खरीदा कि रेंट किया है? मम्मी ने गिफ्ट किया। हेलो गर्ल्स, तुम्हें वीडियो गेम पसंद है? वो मेरे टाइप की नहीं थी। वो देख, मिनी मिस बांड्रा मुझे ही घूर रही है, अभी आता हूँ। मुझे क्यों नहीं घूरता? हाय। अब हब बिबले
लेकिन मुझे असमीज नहीं आती। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? थैंक्स, लेकिन मम्मी ने मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने से मना किया है। नहीं नहीं, मैं इतना भी स्ट्रेंज नहीं हूँ। बात तो ये है कि जब मैं नर्वस हो जाता हूँ, जब तोते की तरह जबल बोलता ही रहता हूँ, और कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये बात पता है और फिर भी मैं बोलता रहता हूँ। तुम तो सोचती हो। ओके ओके, रिलैक्स, बाय। क्या यार, यहाँ पर कुछ बात बनी नहीं रही है। सारी लड़कियाँ फेक, रूड और यार ऐसा मत बोल उसके बारे में। कितनी स्वीट और भुली है वो। हाय, कितनी हसीन होती है, आज पता चला। कद्दू, तुझसे अभी अभी मिला है। यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, तो उसका नाम तो बता। ओ नो, मैं अभी आया। इतनी जल्दी क्या है? ये खूबसूरत लड़कियाँ हमारे होटल में एक बहुत बड़े इवेंट के लिए आई हैं, जिससे हमारे होटल को खूब सारा बिजनेस मिलने वाला है। ये यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम चंगू मंगू उन्हें परेशान करो। लेकिन मुझे तो सिर्फ उसका नाम पूछना था। नो, नेवर, नहीं, ना ही। ये ब्यूटी पेज में जो लड़कियां आई हैं उनसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा और वो तुम्हें कमरे में बंद कर देंगी। देखो, ये जो लड़कियां आई हैं ये हमारी गेस्ट हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, इनको सर आंखों पर बिठाना चाहिए और इनके लिए अपनी जान तक निछावर कर देनी चाहिए। मेरे प्यारे मानसी, वो क्या है ना, मेरे डॉगी ने कार में ही पॉटी कर दी। ये पोर्टेबल पॉटी में किसको लूं? मुझे दीजिए रानी माता, मैं हूँ आपका गुलाम मानसी। थैंक यू मानसी, इतने प्यारे हो तुम। और कितनी देर इंतजार करना होगा जब तक मेरी सपनों की रानी बाहर नहीं आ जाती। मुझे उसे ये देना है और नाम भी पता करना है। हेलो मैम, मान सिंह आ रहा है। मच्छर, तू कितना डरता है। थैंक यू। अंकिता बेटा, तुम इस ड्रेस में पक्का कंपटीशन जीतोगी। मॉम, बहुत हो गया ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मुझे नहीं करना, मैं जा रही हूँ साइंस एग्जीबिशन में। ये भगवान। अंकिता, अंकिता बेटा। अरे क्या कर रहा है तू, वापस आ। हेलो, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ, अब हम बाहर तो नहीं आएंगे। वेरी गुड। मेरे प्यारे मानसी, ये जो ये पीले रंग की टॉफी जो है ना, ये कुछ अजीब सी है। मैम, ये टॉफी नहीं है, साबुन है। फिर इतनी भी बुरी नहीं है। चलो चलो गर्ल्स, इट्स शो टाइम, चलो फटाफट, चलो 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 चलो, लुकिंग ब्यूटीफुल, चलो चलो फटाफट, चलो चलो। अरे तुम अब तक रेडी नहीं हुई, नंबर 14, और तुम पहले ही ग्रुप में हो। एक सेकंड, ये क्या, तुम्हारे होंठ पर बाल है? सच्ची? नहीं, लाओ इसे निकाल देते, लाओ। नहीं। अरे इधर आओ। अरे एक ही तो है। अरे निकालना तो होगा। तो ये थी शहाना। थैंक यू वेरी मच शहाना। अब हमारे मॉडलिंग कॉम्पिटिशन की नेक्स्ट कंटेस्टेंट है नंबर 14, अंकिता। तालियों के साथ अनोखी अंकिता को वेलकम कीजिए। अंकिता का फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। वो बड़े होके माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च करना चाहती है। मेरा भाई इडियट है। 50,000 रुपए, मेरा भाई जीनियस है। अंकिता, यू रॉक, क्यूटी ब्यूटी, यू रॉक। और अंकिता का हीरो है राहुल, शाहरुख वाला नहीं, राहुल गांधी। वाह, यू रॉक। थैंक्स। और मैं तो तुमसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, क्या ये तुम्हारा पहला ब्यूटी पेजेंट है? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मदर प्रॉमिस लास्ट टाइम भी है। ओह अंकिता, जजेस ने तुम्हें गिरते हुए देखा ही होगा। और शिप्रा, तुम्हारी ड्रेस बढ़िया है, इसमें तुम्हारी सुखड़ी टांगे दिखती नहीं। ओए, नहीं बकवास बंद कर,
नहीं तो मेरा मतलब झगड़ा क्यों करना, हम लोग दोस्त क्यों नहीं बन सकते? थैंक्स, तुमने मेरा साथ दिया, वरना यहाँ तो कोई ठीक से बात ही नहीं करता, सब लोग रूड है, बस सिवाय उसके जिसने मुझे फ्लावर्स दिए। पर उसने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? अरे मैं ही तो लाया लाई अपने भाई कबीर के साथ, बड़ा स्वीट लड़का है। हेलो लेडीज, तुम इसे तो जानती होगी, ये है मेरा भाई कबीर। हाँ कबीर, तुम कबीर हो। थैंक्स फॉर द फ्लावर्स कबीर। मेरी बेटी तेरी बेटी से ज्यादा सुंदर है, समझी तू? आओ, तूने मुझे काटा। लगता है मम्मियों का झगड़ा शुरू हो गया है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यार तू स्टेज पे बड़ा ही हॉट लग रहा था, ये 50,000 रुपए तू ही जीतेगा। नहीं नहीं भूल जा, ऐसा कभी नहीं। ये हिजने तो तंग कर दिया है, और ये टाइट ड्रेस पहन के तो हिला नहीं जाता। पता नहीं कैसे अजीब कपड़े है। देख बहन, तू अपनी लड़कियों वाली प्रॉब्लम तो खुद ही संभाल, लेकिन कितने सारे पैसे हम नई साइकिल्स ले पाएंगे? तू ये कॉन्टेस्ट जीतना ही होगा। भूल जा, मैं इस कॉन्टेस्ट को अब भी छोड़ रहा हूँ। नहीं, अब तो इस कॉन्टेस्ट को नहीं छोड़ सकती। और फिर पता है ना, इस जंगल में मुझसे कोई बात करने नहीं वाला है। प्लीज तुम्हें मेरे लिए रुकना पड़ेगा, प्लीज। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। यस। यार ये आई शैडो निकलता क्यों नहीं है? इतना लगाया है क्यों? अच्छे घर की लड़कियां इतना आई शैडो नहीं लगाती। अब सुन, मेरे पास एक आइडिया है टैलेंट राउंड के लिए। हेलो, अंकिता है? हाय शिप्रा। अंकिता, शिप्रा का फोन है। हाय शिप्रा। हाय अंकिता, कैसी हो? मैं अपना मेकअप कर रही थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। तुम्हारे जितना खूबसूरत दिखना इतना आसान थोड़ी ना है। कितनी स्वीट हो अंकिता। अच्छा सुनो ना अंकिता, आज रात शाहाना के रूम में पजामा पार्टी है, तुम आओगी ना? उसे सबको इनवाइट किया है, बहुत मजा आएगा। पजामा पार्टी? तुम पजामा पार्टी के लिए नहीं जाओगी। हाँ मैं आ रही हूँ, बाय। जब बड़े भाई कहते हैं ना तो बहनें चुपचाप सुन लेती हैं, आर्ग्यू नहीं करती। लेकिन अगर मैं जाऊंगी नहीं? मेरा मतलब लेकिन मैं अगर जाऊंगा नहीं तो उसे मिलूंगा कैसे? अगर तुम गए तो तुम पकड़े जाओगे, फिर नो कॉम्पिटिशन, नो 50,000 रुपए, नो बाइसिकल्स, सब पोपट हो जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, अंकिता सब संभाल लेगी। अंकिता की बस की बात नहीं है। ये अंकिता कौन है? टीवी पे नहीं है, एंकर है। बहुत झूठ बोलती है। क्या बोलती है पता है? आज बारिश होगी। और ये भी बोलती है कि आज एंटार्क्टिका में बहुत धूप है। झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है, झूठी। लेकिन टीवी तो ऑफ है। हाँ वो हमने ऑफ कर दिया, झूठ पे झूठी बोलती जा रही थी, मन नहीं आया उसको देखने का, बंद कर दिया। वैसे तुम दोनों की आज शाम का क्या प्लान है? मैं नूडल के घर सोने जा रहा हूँ। तुम नहीं जा रहे करण? नहीं, हमारा झगड़ा हो गया। तुम्हारा और नूडल का? नहीं, मेरा और कबीर का। कबीर यहाँ। तुमने क्या लिपस्टिक लगाई है? इसी बात पे तो हमारा झगड़ा हुआ। ये सो रहा था तब मैंने इस पे लिपस्टिक लगा दी। करण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमको पता नहीं ये शेड इसके कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल मैच नहीं करता? पता नहीं कब सीखोगे। देखा, बोला था ना, गलत शेड लगा दिया। गर्ल्स देखो, पुनीता आई है। पुनीता नहीं, अंकिता। एक ही बात है। शाहना,
बाहर ट्रे में किसी का आधा तंदूरी चिकन पड़ा है, मैं अभी आती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत सही टाइम पे आए हो। पता है हम सब ना मिलके बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम बड़ी होके क्या बनोगी? अब मेरी बारी, और मैं बनूंगी सुपर मॉडल। और अंकिता तुम क्या बनोगी? मैं बनूंगा एक ओपनिंग बैट्समैन। मेरा मतलब एक प्रिंसेस। अच्छा, और मैं लावारिस जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ। वाओ, कितना अच्छा आइडिया है। थैंक्स, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसलिए तो मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही हूँ। और तुम क्यों हिस्सा ले रही हो? साइकिल खरीदने के लिए। साइकिल? हाँ, ताकि मैं तुम्हारे जानवरों को हॉस्पिटल तक पहुँचा सकूँ। सो स्वीट, कितना मजा आएगा ना जब हम दोनों एक साथ काम करेंगे, है ना? एक हग। हे बच्चों, देखो कौन आया है, रानी। दिलों की और इस होटल की भी। वैसे मैंने कैंडी गर्ल को कहा है कि तुम सब के लिए स्नैक्स ले आए। वैसे कैंडी गर्ल का नाम है विनी। रानी, जब आप छोटी थी तो क्या बनना चाहती थी? मैं सिर्फ और सिर्फ अमीर वारिस बनना चाहती थी, और मैंने बनकर दिखाया ये रानी। हाँ, क्योंकि एक अमीर घर में पैदा होना बहुत मेहनत का काम होता है। अरे तुम इसके अंदर क्या कर रही हो? मैं अपना नाइट क्रीम लगा रही हूँ, और इसे सिर्फ अंधेरे में ही लगाया जा सकता है। देखो बच्चों, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ शक्ल सूरत से सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे पढ़ाई, म्यूजियम्स देखना, लोगों से मिलना, इससे पूरी पर्सनालिटी बनती है। रानी, क्या आप शाहरुख खान को जानती हो? अब शाहरुख खान को सिर्फ स्मार्ट लड़कियां पसंद है, मुझे पता है, बस पता है मुझे। ओके, इसे कुछ नहीं पता है। क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट पहले जीत चुकी हूँ, तो जजेस ने मुझे कुछ सीक्रेट बताए हैं जो मैं किसी को नहीं बता सकती, लेकिन मैं बताऊंगी। क्या ये शाहरुख के बारे में है? शानी बात कर रही है। तो सब चुप। ओके, कॉन्टेस्ट में जो तीन लड़कियां सबसे आगे हैं, वो है सहाना, जिसे होना ही था, शिप्रा, और एक और कोई लड़की है, अंकिता। अंकिता? अरे हाँ, अंकिता कहाँ है? शहाना, शहाना, ये देखो मुझे ट्रे में और क्या मिला, 3 महीने का स्टॉक। हेलो प्रीति। हेलो रघु। वैसे तुम्हारी होटल की हेयर ड्रायर्स कितने चीप ब्रांड्स की है, मैं नहीं यूज कर सकता। तो फिर अपनी विक को गीला करने के बजाय तुम ये टोपी पहनकर क्यों नहीं नहाते? तुम्हें ड्रायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रीति जी, क्या आज आप रात का फाइनल राउंड रघु के साथ होस्ट करेंगी? और मानसिंह जी बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छा गाती भी है, तो आप दोनों एक डुएट गा सकते हैं। ये तभी होगा जब मेंढक आसमान से गिरेंगे। ओ, जैसे तुम गिरे थे। प्रीति जरूर गाएंगी। और इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ कौन नहीं गाएगा, और कोई ऐसा गेस्ट जो हमारे होटल को बहुत बिजनेस देता है। वही गेस्ट जिनके दम पर हम जिंदा हैं, इनकी सेवा करना तो हमारा धर्म है ना। कितनी है वो स्वीट, मेरा दिल जस्ट मिस्ड बीट, उसके बिना ये दुनिया फीकी है, आंखों में जो है मस्ती, जब भी वो है हस्ती, दुनिया को कर दे पागल उसकी सुना, इनमें से एक सितारा चमकेगी बनके तारा, वो प्रिंसेस जो जीते दिल हमारा, मेरे मिस मुंबई पे मैं दिल हूँ हारा। हमारा टैलेंट कंपटीशन जारी रहेगा, और अब कंटेस्टेंट नंबर 9, शहाना। ओह, नाइस हैट। क्या है? मैंने कर दी, सब बेकार है।
क्यूपिड स्टिक। अम्मा। शाना बेटा कुछ नहीं हुआ शाहाना। तो ये थी शाहाना और उसकी मम्मी। हाय अंकिता। हाय शुभ्रा। अंकिता मैं चाहती हूँ कॉम्पिटिशन सिर्फ तुम्हें जीतो। नहीं नहीं ये कॉम्पिटिशन तो सिर्फ तुम्हें जीतना है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी और तुम में तो कितना टैलेंट है आज तक मैंने किसी को भांगड़ा म्यूजिक पे भरतनाट्यम करते हुए कभी नहीं देखा। तुम कितनी स्वीट हो ना अंकिता अगर तुम एक लड़का होती ना तो मैं तुम्हें एक किस देती। बाय। तो तुम तैयार हो ना अब वो दिन दूर रही है जब हम अपनी नई साइकिल्स पर घूम रहे होंगे। तू ये कॉम्पिटिशन जीतेगा। नहीं मैं ये कॉम्पिटिशन नहीं जीतूंगा। क्या यार कॉन्फिडेंस रख लड़कियों जैसे क्या बात कर रहा है। नहीं ये कॉम्पिटिशन में जानकर हारूंगा क्योंकि शिप्रा को ये कॉम्पिटिशन जीतना है ताकि वो जानवरों का हॉस्पिटल खोल सके। अब हमने इतनी मेहनत की है तो हम हार नहीं मान सकते। हम लड़कियों की ड्रेस तो मैंने पहनी हुई है और ये तुझे ही सूट करती है तो आखिरी बार देख ले क्योंकि मैं ये कपड़े उतार रहा हूँ। मुझे नहीं पता था हम दोनों के बीच में एक लड़की आ सकती है। तू ये कॉम्पिटिशन जीतेगा। नहीं मैं हार जाऊंगा जो कर रहा है कर रहे। अच्छा तो अपने कपड़े उतार क्योंकि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ। करण दरवाजा खोल करण। और अब अंकिता देशमुख पेश करेंगी अपना शानदार डांस। ओह चेंज ऑफ प्लान्स अंकिता एक नया आइटम पेश करेंगे। अंकिता है कोई जवाब। करण दरवाजा खोल करण करण दरवाजा खोल करण कहाँ है कौन करण अरे अंकिता स्टेज पर। ये कॉम्पिटिशन शिप्रा ही जीतेगी। तू मेरा गला नहीं नई साइकिल्स का गला घूट रहा है। मुझे साइकिल्स की नहीं शिप्रा की पड़ी है। लेकिन मुझे नहीं ना क्योंकि तू सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ये सब क्या हो रहा है। वही जो सदियों से होता आ रहा है आपके बच्चे मेरे होटल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और अब स्टाइल नया है एक ने तो लड़कियों के कपड़े पहने हैं। भगवान के लिए मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों लड़कों में से अंकिता कौन है लेकिन जो भी है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तुम लड़के हो तुम बॉयज ना ऐसे ही होते हो। वैसे करण तुमने ये लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हैं। ताकि हम फर्स्ट प्राइज जीते और नई साइकिल्स ले पाए। ओह थैंक गुडनेस तो फिर ठीक है। तू ठीक है ना भाई। हाँ सॉरी मैंने तेरे और शिप्रा के बीच में प्रॉब्लम कर दी। मैं कितना सेल्फिश लालची ना समझ और एक टोटल इडियट भी। सॉरी यार। इट्स ओके यार तू ऑल कूल। ऑल कूल यार पता नहीं मैं क्या समझ बैठा। ये साइकिल्स ना लड़की लड़कियाँ से तो ज़्यादा ही बेटर है। कोई बात नहीं गलती सबसे होती है। लेकिन एक प्रॉमिस ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा और आज से मैं और तू हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। कभी तुमसे एक मिनट बात करनी थी। तू बीच में आता क्या। हाय शुभ्रा कैसी हो। ये क्राउन तुम्हें बहुत सूट करता है। थैंक्स पर मैं तुम्हें सॉरी बोलना आई थी। मैंने सुना था कि तुम मेरे लिए ब्यूटी पैटर्न छोड़ रहे थे। मैं तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम गलतियाँ सबसे होती है। सो मैं जा रही हूँ। बाय बाय। लेकिन मैं बाय नहीं बोलूँगा
क्योंकि पता नहीं कभी हम कैसे ऐसे ही मिल जाए। बाय। साइकिल से डेफिनेटली बेटर है।